Pull the clutch, engage first gear. What a beauty. बस दिल करता है इसे देखते रहें. Hello boys, welcome to another fast-paced vlog. आज का vlog थोड़ा सा तेज होगा. Fasten your seat belts. आज हम try करेंगे Ducati XTable S का launch control. इससे पहले आप कावासाकी H2R का लॉन्च कंट्रोल देख चुके हैं, तो ये किसी क्रूजर बाइक के ऊपर पहली दफा आप लॉन्च कंट्रोल देखेंगे. और देखते हैं कि डुकाटी XTable S का थ्रॉटल रिस्पांस कैसा है. DBL ऑन लेवल 1 एंड सेलेक्ट launch waiting. Pull the clutch, engage first gear. A power really. Oh baby, what a beast. So let's do it again boys. Press the button. Ducati power launch. Press enter. Launch waiting. Pull the clutch. Engage first gear. Pedestrians crossing the road. Okay. Relax. Relax. बहुत एड्रेनलिन रश हो गया. Relax. लंबे लंबे सांस लें. राइड को एंजॉय करें. Look at this beautiful road. Covered with trees. मैंने इससे पहले डुकाटी डियाबल भी चलाया हुआ है. सिंपल जो उनका डुकाटी डियाबल है, मगर दिस इज फ्रॉम अनदर प्लैनेट. Armaghan wearing the GoPro bag and enjoying the ride like me, but in slow and steady pace, unlike me. Cruiser की ride का जो मजा है ना, वो आप हमेशा एक normal speed के अंदर enjoy कर सकते हैं. मेरी ये गलत आदत है कि मैं cruisers को भी भगाने लग जाता हूँ. ऐसे करना नहीं चाहिए.
तो इसीलिए मेरा क्रूजर से जल्दी दिल भर जाता है, क्योंकि आप उनकी जो पीक पावर है ना वो आप इन्जॉय कर लेते हैं कि यार ये टॉप एंड बस इतना जाता है और मैं किसी भी रोड पे इसको टॉप एंड पे लेके जा सकता हूँ। तो फिर आप जब वो बार बार इन्जॉय कर लेते हैं तो फिर आपका दिल भर जाता है जल्दी। सुपर बाइक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, 1000 cc जो बाइक्स हैं तो लिटर बाइक्स जितने भी हैं उन सब में ये होता है कि आप हर रोड पे उनकी पीक पावर एंजॉय नहीं कर सकते हैं। आप पहले दूसरे गियर में तीसरे गियर में फिर थ्रॉटल देते हैं, फिर रोक लेते हैं, फिर दोबारा थ्रॉटल देते हैं, जो फिफ्थ गियर सिक्स गियर की पीक पावर है वो आप नहीं एंजॉय कर पाते। तो फिर आप ज़्यादा अर्सा उन बाइक्स को चला लेते हैं, ज़्यादा अर्सा अपने पास रख लेते हैं। हाँ, टेस्ट चेंज बंदे को करना चाहिए, कभी सुजुकी, कभी कावासाकी, कभी यामाहा, कभी BMW, जिस पे जो आपको सूट करे। अब बॉयज़ हल्की हल्की शाम भी हो गई है और घर वापसी जाने का टाइम हो गया। बहुत आवारा गर्दी कर ली है, रात को थोड़ी ठंड भी ज़्यादा हो जाती है। मेरे दोस्त अरमगान ने वाइज़र भी ब्लैक पहना हुआ है। खैर, मैं भी ब्लैक पहन के निकला था मगर मैंने साथ कैरी किया हुआ था ट्रांसपेरेंट वाइज़र, तो अब मैंने चेंज कर लिया, नहीं तो शाम में काफ़ी मसला होता है। थोड़ी सी बात करते हैं कि क्यों मेरा दोस्त अरमगान बाकी नॉर्मल लड़कों जैसा नहीं है। वाह, सोचने की बात है। ये अपनी दुनिया में फिरता रहता है। एक सेकेंड, आप लोगों को एक एग्जांपल दूं। वेट, अब्बासी लाहौर चले। क्यों अब्बासी, क्यों है? यार हमारे पास इस टाइम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही हमने गोप्रो वाला बैग कैरी किया हुआ है। ना हमारे पास पैसे हैं लाहौर जाने के, ना फ्यूल के पैसे हैं, ना कोई सामान है, मगर अरमगान रेडी है लाहौर जाने के लिए। अभी मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर बहावलपुर जाने की बजाय मैं लाहौर की तरफ बाइक मोड़ लेता तो आई एम 100% श्योर कि ओकाड़ा तक तो अरमगान ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करना था। उसके बाद भी शायद अगर उसके माइंड में कोई आ जाता तो आ जाता, नहीं तो हमने लाहौर पहुंच जाना था। Abbasi getting jealous of my cruise control. Cruise का भी अपना ही मजा है यार, relax करें, cruise लगाएं और सो जाएं। क्या हुआ अरमगान, थक गए? थक गए? आ जा चलाने, चलाने आ जा। व्हाट अ ब्यूटी, बस दिल करता है इसे देखते रहें। साइड इन्होंने बना दी है ना विद दिस रिम, दिस एग्जॉस्ट, उन्होंने पूरी जगह एग्जॉस्ट वाली फिल की है, बहुत खूबसूरत लगती है। ब्रेम्बो ब्रेक्स, ब्रेक्स कैलिपर इतने मज़े के हैं, इतने खूबसूरत हैं, क्या बात है। डुकाटी सस्पेंशन चेक,
ब्यूटीफुल। सो बॉयज रीच्ड बहावलपुर अल्हम्दुलिल्लाह बैक। अभी अरमगान की तरफ जाते हैं, उसको उसका बाइक वापस करते हैं, अपना बाइक लेते हैं और सुकून से जाके सोते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।